गुड मर्निङ एभ्रीबडी, वेलकम ब्याक टु दि लामाज ब्लग। है आज फेरि अब एउटा नयाँ भिडियो लिएर तपाईहरुको समक्षमा बिहानीको टाइममा उपस्थित भएको छु। है एज युजुअल बिहानीको टाइममा फेरि त्यही नै हो, रुटिन सेम छ, केही चेन्जेस छैन अहिले। है यताउति केही पनि छैन। बिहान उठ्यो, खाना बनायो, मम्मीले भाँडा सफा गर्दैछ पकाएको, है किन धुनुको लागि, अनि उता खाना खानुको लागि रेडी राखिरहेको छु, अनि यता खाना पस्केर रेडी छ अब खानुको लागि। है अब यस्तै हो बिहान, अब के हुन्छ तपाईँहरूलाई सधैँ 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 भनिरहेको वाक्क पनि लाग्यो होला। है आज चाहिँ मम्मीले बिहानै चिकन बनाएछ, त्यो झोक्सोले पनि हो, उसलाई सायद खाजा लान्छ होला, मेरो हिसाबमा चाहिँ खाजा लानु छ भने चाहिँ उसले बिहानै उठेर अलिकति उयो बनाउँछ। है और आजका दिन यहाँ गान्तोकमै बहुत 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 धुप हो रहा है। कैंटक का वेदर के बारे में आपको अपडेट करूं तो यहाँ पर बहुत धूप हो रहा है, सवेरे इतना धूप खिलती है ना, देखने से बहुत अच्छा लगता है, लेकिन शाम को क्या होता है, शाम को फिर पूरा एकदम फॉग हो गया ना, पूरा ठंडा हो जाता है। तो कंक्लूजन ये है कि कोई भी हिली टेरेन का वेदर को आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते आज कैसा है कैसा है, स्पेशली इन विंटर सीजन। सो विंटर सीजन में अगर आप बाहर जा रहे, अगर धूप हो गया बोल के सिर्फ पतला लुगा कपड़ा पहन के बाहर जाएंगे तो शाम को देखेंगे कि बहुत ठंडा हो जाएगा, इसीलिए आपको पूरा प्रिपेयर होकर जाना पड़ेगा। ठंडा, गर्म और बारिश का मौसम तीनों कम्बाइन जो है ना, उसके लिए रेडी होकर जाना पड़ेगा। तो हम लोग भी ऑफिस जाने के टाइम वैसा ही करते हैं, थोड़ा गर्म कपड़ा लेके जाते हैं, तो आफ्टरनून में देखेंगे बहुत ठंडा होगा, तो फिर ठंडा कपड़ा फिर ऑफिस में ही यूज करना पड़ेगा। अदरवाइज क्योंकि हम लोग तो ऑफिस में देरी होता है ना, आते आते रात को 7-8 बज जाता है, तो बहुत ठंडा हो जाता है। तो देख लीजिए इतना अच्छा, अब इधर से दिखाऊंगा तो और अच्छा लगेगा आप लोग, यहाँ से मैं खिड़की से दिखाऊंगा आपको, देखिए कितना अच्छा खिला खिला वेदर है। सवेरे ऐसा ही होता है, विंटर में तो स्पेशली ऐसा ही होता है। तो हमारा दोनों है, अभी तो हमारा बेटी लोग सब बहुत दूर में है, हम सिर्फ दो, हमारा हस्बैंड एंड वाइफ। चलो खाना ठंडा हो रहा है तो खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद मिलते हैं आपको। तो गाइस नहीं बोले क्या बोले, तो हम लोग अभी खाना खाते हैं। सवेरे बिहान मासु बनाए कि मुझे मासु बिहान मासु तीन मन पर्दन कि तर उसे खाजा लाने लगी बना हो ला दाल बनाए ना आज हाई सुखा कहीं सुखा भी मीठो होता, कभी कभी सुखा भी अच्छा लगता है। आज मैं थोड़ा हिंदी में बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा बेटी ने हमको रिक्वेस्ट किया कि किसी ने उनको रिक्वेस्ट किया कि थोड़ा हिंदी में कर दीजिए, उनको ब्लॉग तो देखने में अच्छा लगता है लेकिन कुछ समझ नहीं आता है बोलते, तो मैं अपनी भाषा में प्रिफर कर अपनी भाषा प्रमोट करना चाहूँ, तर अब सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट कर वहाँ का रिक्वेस्ट अलग हमें रेस्पेक्ट करें अलग मतलब है। अदरवाइज आई एम वेरी कम्फर्टेबल इन माय ओन लैंग्वेज, मैं अपनी भाषा में बहुत कम्फर्टेबल हूँ, इसीलिए उसी में करता हूँ, माइंड मत कीजिएगा, कोशिश करूँगा बीबी से कभी करने के लिए। अंत में आज को बिहान को खाना भी खाई सके, हाई अब यह घड़ी भी हेन ठिक्क 8:30 बजे हम लोग टाइम यही नहीं हो, तब जैसे भाई 8:30 में हमी खाई सकू बिहान को हाई अब खाद तो काकड़ा खा कि खोक्स। अब नेक्स्ट स्टेप अब तल गए रेडी होने पड़े हाई सर, मुझे अब अफिस निस्लिन आज को हाई अंत बहनी आज भी मैडम सुती रहने हो हेन ए उठन भैस पास कर के त्यही उठ्दै थिएँ कि म फेरि अब यसै कि उठ्नु भएन होला। सो गाइस गुड मर्निङ, आज त हिन्दीमा गरौँ भनेको थियो, हिन्दीमा जग इज इन हिन्दी आज अपालाई त्यो निलो झोला भने कि गाइजे निलो झोलाबाट निकाल्छु, निलो झोला हौ निलो झोलाबाट चाहिँ मैले निकाले आम्माम त्यो स्किन त दामी देख्दैछ त आज त मेरो त पूर्णिमाले 3:30 दामी देख्दो रहेछ स्किन मेरो अन्डा उम्लिँदैछ म चाहिँ मेरो बस्तीको अन्डा हाफ बोइल खानु अन्त उम्लिँदैछ अन्त आज ढिलो भयो चिया बनाउने टाइम पनि पाएन अब तातो पानी खानु
हेलो एभ्रीवान, गुड मर्निङ। अन्तखेरि ब्लग त अब आप्पाले स्टार्ट गर्नुभएको छ होला आज। सो आज चाहिँ हामीले त्यसरी गर्नु खोजेको, आप्पाले पनि उताबाट गर्नुहुँदैछ, हामीले पनि यहाँबाट गर्दै चाहिँ मर्ज गर्छ भिडियो हो। सो अब एयर ड्रप गर्न सक्दैन, अन्त वाट्सएपमा पठाउँदा भिडियो क्वालिटी चाहिँ अलिकति चाहिँ अब घट्छ, तर केही छैन। अब दुईजनै अब दुइटै गान्तोकमा पनि के हुँदैछ, नाम्चीमा पनि के हुँदैछ, दुइटै देख्न सक्नुहुन्छ नि त तपाईँहरूले यस्तो प्रकारले गर्यो भने चाहिँ होइन। सो मैले बिहान उठेँ होइन, अन्त दबाईहरू पनि खाएँ। बिहान उठ्ने बित्तिकै मेरो तिनवटा दबाई छ होइन, दुइटा ट्याब्लेट एउटा लिक्विड, त्यो सबै खाइसकेर चाहिँ म अब उठेर फ्रेसनअपहरू गर्छु। अन्तखेरि पहिला चाहिँ म चिया खान्छु, चिया बनाइकन चिया खान्छु हो। अन्त नाम्चीको आजको वेदर चाहिँ यस्तो छ है, चटक घाम लागिरहेछ आज चाहिँ नाम्चीमा हो। अहिले चाहिँ नाम्चीमा घाम लागिरहेछ, जाडो बेलुका बेलुका मात्रै जाडो हुन्छ, दिउँसो त यसरी घाम लागेर ठिकैकै हुन्छ, टी सर्टमै बस्नु सक्ने खालको नै हुन्छ हो। अन्तखेरि गाइस, आज चाहिँ मैले के सोचेको छु भने चाहिँ आज चाहिँ को भ्लग चाहिँ हाम्रो हुन्छ सबै हिन्दीमा होइन। क्यों? क्योंकि हमारा एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था, क्या था नाम, लव गुरुदेव जी ने कमेंट किया था कि आप लोग एक व्लॉग हिंदी में कर दीजिए बोलकर। तो आज हमारा व्लॉग का थीम होगा हिंदी, सो आज हम सिर्फ हिंदी में बात करेंगे, हिंदी में खाएंगे और हिंदी में सब हिंदी में करने वाले आज, ठीक है। और वही आज आपका दिन भी दिखा दिया, और आज क्या क्या करेंगे, मम्मी पापा गैंगटॉक में और मैं और मेरी बहन इधर नामची में क्या क्या करेंगे सब दिखाएंगे। तो फिर देखते रहिए, स्टे ट्यून्ड एंड डू वॉच द व्लॉग टिल द एंड। तो गाइस, अभी मेरे लिए मैं ब्रेकफास्ट बनाने जा रही हूँ, और सिर्फ आज का व्लॉग ही हिंदी में होने वाला है, कल से फिर नेपाली में होगा। तो आप लोग ऐसा मत सोचिएगा कि हम लोगों ने हिंदी में व्लॉग करना शुरू कर दिया, सिर्फ आज के लिए एकदम चैलेंज जैसा लेकर हम लोग हिंदी में व्लॉग करने वाले, ठीक है। तो अभी मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, ब्रेकफास्ट में मैं ब्रेड और अंडा बना रही हूँ, और अपने लिए ब्लैक टी बना रही हूँ, ठीक है। ब्रेकफास्ट हम ख़त्म करने वाले हैं, मैंने खाया था ब्रेड अंडा, दो ब्रेड था, एक अंडा और ये एक बिस्किट ये ब्रेड खाने के बाद खाऊंगी, और एक काला चाय। और अभी मैं टी शर्ट पर ही हूँ क्योंकि इतना ठंड नहीं है ना, इसीलिए टी शर्ट पर ही बैठी हूँ। थोड़ी देर बाद ठंड होने लगेगी तब मैं पहनूंगी वो वाला गर्म कपड़ा। आईडोजी ऑफिस जा चुकी है, शायद वो अभी शाम को आएगी या दोपहर को एक बार लंच टाइम में आ सकती है, अगर नहीं आए तो शाम को आएगी। मैं नॉर्मल डेज में 4 to 5 ब्रेड पीसेस ऑफ ब्रेड तो खा सकती हूँ इजीली, ठीक है। अगर ब्रेड हो अंडा हो तो 2 अंडा और 6 ब्रेड तो मैं खाती थी पहले घर में, अभी मैं कंट्रोल कर रही हूँ क्योंकि ज़्यादा मोटी हो गई ना, इसलिए मैं कंट्रोल कर रही हूँ, इसलिए 2 ब्रेड 1 अंडा में गुजारा करना पड़ेगा, नहीं तो अगर मैं खाऊँगी तो खाती ही जाऊँगी, रुकने का नाम नहीं आएगा। इसलिए पहले ही मैंने सिर्फ 2 ही ब्रेड निकाल कर टोस्ट किया था। वैसे तो मैं चाय वगैरह नहीं पीती हूँ, पर कभी कभी दूध का चाय पीती थी, पर दूध का चाय ने क्या हुआ है, मेरा जो गैस का प्रॉब्लम था वो दूध का सामान खाने से फिर से वो जो बॉयजिन था फिर से आ जाता था, इसलिए अभी मैं ब्लैक टी खा रही हूँ क्योंकि ब्लैक टी मुझे अच्छी भी लगता है, और इससे कोई ऐसा गैस्ट्रिक वगैरह नहीं होता है ना, दूध का सामान खाने से जो गैस्ट्रिक हो जाता है वो ब्लैक टी खाने से नहीं होता है, इसलिए मैं ब्लैक टी भी प्रेफर करती हूँ। लाइट भी होता है दूध का चाय खाने से, मुझे पूरा हैवी हो जाता है, मतलब ऐसा अघाया हुआ फील हो जाता है, ब्लैक टी से सिर्फ पानी वैसा लगता है तो इतना हैवी नहीं होता है, तो ये वाला अच्छा लगता है ब्लैक टी मुझे। ये बारह मोल कर किचन क्लीन कर क्या करना है पड़ेगा, मुझे व्लॉग एडिट करना पड़ेगा, मतलब सुबह से क्या क्या किया है, मम्मी पापा भी उधर व्लॉग करके मुझे भेज रहे हैं ना, तो वो एडिट कर कल के लिए एकदम रेडी रखना पड़ेगा ना, इसलिए अभी मैं व्लॉग एडिट करने जा रही हूँ। और मेरे पता नहीं मेरे इसमें क्यों इतना ज़्यादा दाग दिख रहा है मेरा ऑनर में। गाइज, आइडोजी चाहिँ भर्खर आइपुग्नु भयो, हाई भनिदिनु। अफिसको जुत्ता हेरिदियो, उसले अफिसको लागि जुत्ता किनेछ, भित्र लाउनु लागि तातो भनेर कि।
उसको चाहिँ सामानहरु जहिले यस्तो मात्रै हुन्छ क्या डल्लो डल्लो अजुबा अजुबाहरु क्या अब फेन के साथ नि त नसे गाइस विन्टर्सको लागि भित्र देखाइदिउँ यस्तो खालको छ अजुबा अजुबाहरु क्या अब स्लिप विन्टर के अरे रुम स्लिपर पनि अब जुत्ता नै रहेछ नि त के को रुम स्लिपर अन्त्र भनेको त जुत्ता त हो जुत्तै रहेछ नि यो त गाइस के को रुम स्लिपर अघि मैले त्यो जिस्केर मेरो अफिस मैले नयाँ जुत्ता किनेको हेर्नु न भने चाहिँ कसलाई थाकेको छैन है यस्तो हेरेँ अफिसमा नलाउनुहोस् हौ सिरियस भएछ भित्रपट्टि भित्र त लाउँदा देख्छ होइन उसले थाहा पाएन रुम स्लिपर हो भनेर उसले साँच्ची नै जो अब थाचीको जुत्तै सोच्यो होला नि त तपाईँहरूलाई मन पर्यो भने कमेन्ट गर्नुहोस् है आइदोजीले पठाइदिन्छ सबैजनाले के गरेर विन्टरको लागि मलाई पठाइदिनुहोस् न बुढे के गर गाइज अन्त टमी अपडेट टमी चाहिँ यत्रो भएको छ है अपडेट चाहिँ ए देख्नुहुन्छ होला के हो यो कालो लागेको यार ए हौ त्यो टेबलमा के लागेछ चाहिँ भर्खर आइपुग्यो ल्यान्डिङ डे अब चाहिँ नयाँ जुत्ता हो भन्दामा बेडमा लागेर चाहिँ नपसौँ न अब स्पोर्ट्स रहेछ है गाइस ए होइन रहेछ स्पोर्ट्स ए हो रहेछ स्पोर्ट्स रहेछ यो चाहिँ स्पोर्ट्स जुत्ता अन्त हाम्रो चाहिँ लङ डिस्टेन्स यस्तै हुन्छ हो जहिले भिडियो लङ डिस्टेन्स भिडियो कल यस्तो हुन्छ हो उसले चाहिँ आफ्नो अनर रहेछ उसले आफ्नो अनर रहेछ त्यही त बुढालाई चाहिँ सानो माथि सानो जग्गा मात्रै दिन्छु हो यहाँ अझ म आफैलाई हेर्दै बस्छु यस्तो हुन्छ हाई भनिदिनुहोस् न खै ठै हाई भनिदिनुहोस् न बिचरा ऊ चाहिँ अफिसमै छ ऊ ब्याट्री त्यो चाहिँ हागे साङ्गेले मेसेज दिँदैछ ब्याट्री लो भयो मेरो हाई गाइज गुड मर्निङ सो आज यही भ्लग हिजोको भ्लग आज कन्टिन्यू गरेको किनभने त्यो भ्लगमा मैले एन्डिङ पनि गरेन अलिक छोटो पनि भयो त्यही कारण सन्डे आजको दिन होइन घाम लागिरहेछ 11 बज्यो म चाहिँ भर्खर उठेको भर्खर भन्दा पनि 10 बजी उठेको त्यहाँदेखिको बेडमै फोन हेऱ्यो हेऱ्यो त्यहाँदेखि म कसो फ्रेसन अप भएर बस्दै छु अन्तखेरि चाहिँ अब म ब्रेकफास्ट बनाउनु आजको आइदोजीलाई भित्र नदेखाउनु अरे ऊ बाङ भएर चाहिँ म चाटाक चिटिक भएर गर्नु थालेँ कि उसलाई चाहिँ नदेखाउनु अरे ड्रामाहरूले चाहिँ खाँदैछ चाहिँ नदेखाउनु अरे ऊ चाटाक चिटिक भएको बेलामा चाहिँ क्यामेरामा आउँछ क्या यो क्यामेरा चाहिँ सही बस्दैन रहेछ कि गाइस म तपाईँहरूलाई अब ब्रेकफास्ट बनाएर खाने टाइममा भेटौँ है आज सन्डेको भ्लग आउने छ हो तपाईँहरूलाई चाहिँ क्युएनएको भ्लग कस्तो लाग्यो भन्नुहोस् अन्त एउटा क्वेसन चाहिँ मिस भएछ हिजो त्यो क्वेसन चाहिँ आज यो भ्लगमा गर्नेवाला छ हो अदर द्याटहरू सबै कभर गरेको छ तपाईँहरूले हिजोको भ्लग कस्तो लाग्यो भन्नुहोस् अन्त आजको पनि अब यो भ्लग तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्ने छ सन्डे नर्मल हिजोको चाहिँ क्युएनए मात्रै हालेको थियो नि त त्यही नै हिजोको भ्लग चाहिँ अन्त आजकोमै हालेको हो हिजो चाहिँ क्युएनए मात्रै हाल्यो त्यो भिडियो लामो भएर अन्त हिजोको जुन चाहिँ भ्लग चाहिँ त्यो गरेको थियो त्यो चाहिँ आजकै भ्लगमा मर्च गरेर हाल्छु होइन हिजो घाम दामी लागेर घाम ताप्दैछु यहाँ म गरिमा इन्टरटेनमेन्ट हेर्दै लु छिरिङले खतरा ब्रेकफास्ट बनाएछ त्यो के कुरा अन्डा हाल्यो क्या हौ एउटा मान्छे चिज हाल्दैछ आई सेफ माई ब्रेकफास्ट कस्तो भएछ चिजको खाएको अन्डा खायो चिजको सब्जीहरू लिनु गएको यहाँ दोकानमा नानीहरू भएको नानीहरूलाई लिनु पठाउनु हुन्थ्यो है नानीहरू छैन त्यसले गर्दाखेरि अब हामी लिनु गएको हाम्रो गाउँको बाटो चाहिँ यस्तो छ बजार यस्तो छ दोकान यस्तो छ गाउँ यस्तो छ हेर्नुहोस् बाहिरको तपाईँहरूलाई अहिलेसम्म देखाएको थिइनँ है आज फर्स्ट टाइम देखाउँदैछु बाहिर यहाँ साली चाहिँ यहाँ बस्छ जङ्गलहरू यहाँ हो खै मम्मी आउनु घरमै छ बत्ती बालेको छ नि त अन्त फुटबलको सिजन लागेको छ अब गाइज हेर्नुहोस् फुटबलको सबै देशको फ्ल्यागहरू लगाएर राखिरहेछ यस्तै छ हाम्रो गाउँको बजार चाहिँ हेर्नुहोस् है गाइज हामी चाहिँ सब्जी यहाँबाट लिन्छु प्रायः है यहाँ चाहिँ प्रायः सबै नै सब्जी पाउने गर्छ यतापट्टि हेर्नुहोस् सालेदाङको घर हाम्रो हेर्दैछ भाबीले
हाम्रो चाहिँ सब्जी छान्दैछ मम्मीले है हाम्रो भाभीले चाहिँ हाम्रो हेर्दैछ प्याज टमाटर अलिक सब्जी लानु भन्छ है कोही छैन बुढाबुढी मात्रै छ घरमा हो दुईजना मात्रै बिहान गएको दिन एकैचोटि राति आइपुग्छ बेसी लानु पर्दैन अलिअलि प्याज टमाटर चाहिँ लगिराख्नु कि अरू चाहिँ अलिअलि फाइनली गाइस सब्जी डन डुकु पनि लिएँ सब्जी पनि लिएँ अब घर फर्किँदैछु दुईजना है अहिले खानको बाटो यस्तो सानो छ कि गाडी आउँदाखेरि नि हिँड्ने बाटो साइड दिने बाटो पनि हुँदैन यहाँ भारी भएछ दुईजना लाने कि प्याज र टमाटर दुई किलो ल्याएको थियो त्यसले गर्दा गरौँ भएछ हाम्रो घर चाहिँ यहाँ देख्दैछ कि है चाहिँ पर लाइट बोलिरहेको छ यो चाहिँ हाम्रै घरको छेउमा चाहिँ यो दोकानहरू पर्छ है यहाँनिर तपाईँको माछा मासु चिकन र फिसहरू अलिक रासनहरू सबै पाइहाल्छ यहाँनिर हो सब्जी चाहिँ अलिक राम्रो पाउँदैन फ्रेस राख्दैन त्यसले गर्दा अलिक पर गएर आएको सब्जी चाहिँ अलिक राम्रो पाउँदैन फ्रेस राख्दैन त्यसले गर्दा अलिक पर गएर आएको यहाँ पाइहाल्छ ए यहाँनिर फास्ट फुड खोलेछ आज थाहा पाउँदैछ फास्ट फुड यहाँनिर खोल्दैछ हाम्रो गाडी चाहिँ यहाँनिर छ है ग्यारेज घर चाहिँ यतापट्टि हो हाम्रो जुन यहाँ फास्ट फुड खोलेछ न कि उसले सोध्दैछ उसलाई सजिलो हुन्छ भनेर कहिले खोलेको यहाँ भर्खर खोलेको होला है हिँड्न थाक्दैछ यहाँ बहिनीले चाहिँ हिजो खोल्नु भएको छ है यहाँ फास्ट फुड चाहिँ हिजो खोल्नु भएको छ है यो घरकै अगाडिपट्टि पर्छ सजिलो भयो यहाँ पर्दैन पर्दैन यहाँ खोल्नु भएर सजिलो भएछ हामीलाई है नजदिकमै ल तपाईँहरूलाई धेरै धेरै बधाई छ राम्रोसँग चलोस् ल फोन नम्बर कल गर्छु ल के पऱ्यो हस् त्यहाँ घरकै अरूपट्टि बहिनीहरूले रेस्टुरेन्ट खोलेर फास्ट फुड है एकदम सजिलो भयो अब है हाम्रो लागि यहाँ अलिक थाक्दा पनि अलिक यता दबाई दोकानको छेउछाउ बस्नेहरूलाई चाहिँ एकदमै सुविधा हो जो जो दबाई दोकानको छेउछाउ बस्नुहुन्छ तपाईँहरूले त्यहाँबाट आफ्नो हल्का अब फास्ट फुडहरू केही पनि चाहियो भने मोमो चाउमिनहरू सबै पाउँदो रहेछ है तपाईँहरूले लिनु सक्नुहुन्छ भोकल फर भोकल बिचरा दुईजना यङ यङ मैले नानी रहेछ है उनीहरूले खोलेको सपोर्ट गरिदिनुहोस् सबैले मैले पनि भर्खरै देखेको हिजो खोलेको अरे आज दिउँसो हामी त भोक लागेर के खाउँ के खाउँ के खाउँ भनेर म्यागी लिएर खाएँ कि अघि चारमा त्यहाँबाट खान्थ्यौँ नि है ठिकै छ नेक्स्ट टाइम थाक्यो श्रेणीमा अनि अर्को कुरा चाहिँ उहाँहरूले हाम्रो ब्लग सब्सक्राइब ब्लग पुरै हेर्नु हुँदैछ कि तर अहिले आउनु मन भएन बिग दुई दिनमा आउनुहुन्छ अरे अप्ठ्यारो लाग्यो अरे हुन त हामीलाई त अप्ठ्यारो लाग्छ है उहाँहरूलाई त झन् अब बोल्नु क्यामेराको अगाडि बोल्नु अप्ठ्यारै लाग्छ र पनि यो ब्लगकोद्वारा उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद हेरिदिनु भएकोमा सपोर्ट गर्नुभएकोमा हामीले के के ल्यायो एकताल देखाउँछौ तिमीले अनबक्सिङ अफ दि भेजिटेबल्स भेजिटेबल्स अनबक्सिङ सिबी चाहिँ मलाई मन पर्दैन हो तर मम्मीको चाहिँ फेभरेट हो सो गाइज म चाहिँ अहिले यहाँ खाना बनाउँदैछु अन्तखेरि यहाँनिर चाहिँ छ खिड्की जहाँबाट सबैजनाले मलाई हेर्दै जाँदैछ बहिनीले आज के बनाउँदैछ भनेर सबै गाउँले चाल बसेको यहाँनिर
खिड़की पर हो यहाँ चिकन सुप पाक हो यहाँ पाक तब चिकन हो ग्रेवी वाला अब यह चिकन सुप निकले भैस पांच सी छ सीटी लगे आठ सीटी में यहाँ खनाइदिन्छु अंत फिर इसमें बसाने वाला छु भात के भाई फिफा को लगी वर्ल्ड कप फिफा को लगी हमें उयो खेलते घर को मानी मत मैं मिली मिलने मत आठजना कि मिले फिफा खेलने वाला तो छिट्टा उठाऊ छिट्टा जो पाए जो टीम पाँच जो टीम ने जित्छ तो टीम जो पाक्स पाँच आठ हजार रुपया हो एक एक हजार करें खेले आठजना खेलते हमी टीम जिम मिला सो तपाईहरुलाई त्यसको पनि अपडेट दिँदै जान्छु फिलहाल अब म खाना बसाउनुमा फोकस गर्नुपर्छ किनभने म डिस्ट्र्याक्ट भएने मेरो चिकन जल्यो भने माथि भोकै सुत्नुपर्छ अस्ति भात जलेको जस्तै हो भात जल्दाखेरि त्यस्तो गन्ध आएन बिकज सब्जी मि बेसी मिठो भएर क्या त्यो भातको त्यो डढेको गन्ध चाहिँ काट्यो नि त अन्तखेरि गाइस आज खाना चाहिँ मैले बनाएको हो आज कहाँबाट यस्तो घाम झुल्क्यो भनेर त ए चिकन सुप यो सादा चिकन सुप चिकन आलू मेरे फेवरेट हो पिकल अंत अब धमाधम दिखा खाना चाहिए हमें डिनर छिटो कर बस को आज डिनर संडे हो डिनर छिटो कर आज को ब्लग कसो लगे के लगे कमेंट में भनदिन मन पर्यो सब्सक्राइब शेयर सब कर कमेंट कर दिन नभूलिन लाइक कर दिन हाई थैंक यू सो मच फर वॉचिंग टिल देन कीप वॉचिंग लामाज ब्लग बाई